हेलो एसटीडीपी स्टूडेंट्स, आई एम जसप्रीत फ्रॉम श्री गुरु टेक बहादुर स्कूल इन एच 90 ग्रुप सिरसा। स्टूडेंट्स, कल आपका क्लास टेस्ट है जो कि आपको अपने पीएनबी में बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। ओके, तो आपका क्लास टेस्ट की टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 10 o'clock से 11:30 तक। आपको इसी टाइमिंग में आपका टेस्ट जो है उसकी पिक क्लिक करके मुझे सेंड करनी है। 11:30 के बाद आपका टेस्ट जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना है कल के टेस्ट के लिए। नेम ऑफ द चैप्टर इज द कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हमने क्या रीड करना है कि हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, स्टोरेज क्या होता है, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके अंदर कैसे कंप्यूटर वर्क करता है आप रीड करेंगे, कैसे वर्क करता है आईपीओ साइकिल से उसको आप डीपली रीड करेंगे कि इनपुट के आईपीओ, आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। इनपुट क्या होता है, प्रोसेस कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे आता है, ये सब आपको डीपली रीड करना है इस लेसन में। ओके, जैसे यहाँ पर प्रोसेस को भी 3 पार्ट्स में किया हुआ है, ALU, MU, CU, इसको आपको अच्छे से रीड करना है लेसन को। ओके, उसके बाद आपको स्टोरेज क्या होता है, किस लिए होता है, इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इसमें हम स्टोर करते हैं डाटा को, ये सब कुछ आपको रीड करना है। नेक्स्ट आपने कंप्यूटर के फीचर्स रीड करने हैं कि कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, डेलिजेंसी, इसके बारे में रीड, कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन सब के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में रीड करना है कि माइक्रो कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, किस पर्पज के लिए होते हैं, क्या साइज है इन कंप्यूटर्स का, आपको ये रीड करना है। ओके, आपको चैप्टर रीड करने के बाद आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको ये करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप,